भिवंडी शहर में आए दिन चोरी, लूटपाट और धोखाधड़ी जैसी आपराधिक घटनाएं हो रही है। इसी तरह भादवड़ सोनाले रोड पर एक होटल चलाने वाले व्यापारी पर रात 11:30 बजे के बीच दो लोगों ने जबरन हमला कर उसका मोबाइल फोन चाकू की नोक पर छीन लिया। इस मामले में पीड़ित ने शांतिनगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। भिवंडी शहर में गणपति उत्सव को मद्देनजर रखते हुए निजामपुरा पुलिस द्वारा किया गया फ्लाइंग मार्च। यह मार्च जकात नाके से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक था। थाने के शाहपुर के एक गोडाउन पर छापे मारकर मिलावटी शराब की एक बड़ी कैप बरामद हुई। इस मामले में करीब 27 लाख रुपए मिलावटी विदेशी शराब बरामद की गई। साथ ही इस मामले में वेयरहाउस मालिक वैभव शिलार को थाने एक्साइज विभाग ने गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के नासिक में सीबीआई का एक्शन, जीएसटी दफ्तर पर छापेमारी। मुमरा बाईपास पर पलटा एक ट्रेन। जानकारी के अनुसार मुमरा बाईपास शैलेश नगर के पास सुबह 7 बजे के दरमियान एक ट्रेलर डिवाइडर को तोड़ते हुए बीच सड़क पर पलट गया। इस हादसे में कोई जानहानि नहीं हुई है। कल्याण झील रोड पर एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में 10 फीट का अजगर मिला। जानकारी के अनुसार रात करीब 9 बजे एक व्यस्त जगह पर अजगर दिखाई दिया। अजगर दिखने के तुरंत बाद ही वन विभाग को सूचना दी गई और उसके बाद अजगर को वन विभाग को सौंप दिया गया। मऊ में स्कूल के छात्रों ने टीचर को बुरी तरह से पीटा। मारपीट की वजह सिर्फ इतनी थी कि एक रोज टीचर ने लड़के को स्कूल से बाहर निकाल दिया था। लड़कों ने बदला लेने के लिए ठान ली थी और टीचर की बेरहमी से पिटाई कर दी। यूपी के मेरठ में अवैध पटाखा फैक्ट्री में लगी आग। आग में झुलसते एक मजदूर की हुई मौत, कई घायल। मलबे के ढेर में से मजदूरों को निकालने का काम जारी। यूपी के संभल में एक भैंस अस्पताल के दूसरी मंजिल पर दिखाई दी। अस्पताल प्रशासन पर उठे सवाल।